दोस्तों, अगर आपने भी अपना पैन कार्ड को नया बनवा रखा था, या आपका जो पैन कार्ड खो गया, जो डुप्लीकेट आपने जो है निकाला था, या आपने जो भी कोई भी अपने पैन कार्ड में करेक्शन करवाया है, तो आपका अगर अभी तक आपके एड्रेस पर नहीं पहुंचा पैन कार्ड, तो आप कैसे अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपके पास अभी तक पहुंचा नहीं है आपका पैन कार्ड, और आप जो है कब से अप्लाई कर दिया था आपने, तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है मोहन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एमके ज्ञान। तो अगर आपने अपने पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाना है, आपने घर बैठे अपने फोन से ही आप कर सकते हो। दोस्तों, कार्ड में नाम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अब आप अपना जो है इसमें चेंज कर सकते हो पैन कार्ड में। अगर वो आपको वीडियो देखनी है, तो मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कैसे आप जो है अपने घर बैठे ही फोन से आप कर सकते हो। आई बटन में वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, आप देख लेना, पूरी कंप्लीट वीडियो बता रखी है आप कैसे उसमें अपने फोटो और सिग्नेचर को भी चेंज कर सकते हो और करेक्शन करवा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आपने जो है ऑनलाइन अकाउंट खोलना है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लें दोस्तों। आई बटन में दे दूंगा, वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत जरूरी हो चुका है। आजकल जो है घर बैठे सब कुछ जो है सुविधा मिल रही है, तो उस सारा जो लाभ आप उठाइए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है, आपको बस क्या होता है, ऑनलाइन हर किसी चीज का आप बन चुका है दोस्तों। पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आपका आपका पासपोर्ट हो, या आपका अपना किसी भी चीज का आपको कुछ भी करेक्शन करवाना हो, और या आपका अपना अकाउंट खोलना हो, तो हर चीज में ऑनलाइन हो गया। बस में आपका जो है कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर। वो वीडियो आपको देखनी है कैसे करते हैं, तो आई बटन में दे दूंगा दोस्तों, आप देख लेना उसमें। तो दोस्तों, अब जो है स्टेटस चेक करने के लिए आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, जब चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, रेड बटन के साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो कैसे आप स्टेटस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में टाइप करना है पैन कार्ड स्टेटस। जैसे ही आप टाइप कर दोगे, तो यहाँ पर आपको दो वेबसाइट मिल जाएगी, एक है NSDL और दूसरा है UTI। तो दोस्तों, अगर आपने जिसके माध्यम से आपने अपना पैन कार्ड बनाया है, आप उस पर क्लिक करोगे, तो मैंने जो है आप NSDL से बनाया था, तो मैं यहाँ पर जो है स्टेटस ट्रैक सर्च NSDL वेबसाइट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आ गया पैन कार्ड योर ट्रैक योर पैन कार्ड, और आप देख सकते हो एप्लीकेशन टाइप। तो एप्लीकेशन टाइप में हमें यहाँ पर क्या लिखना है वो भी आपको दिखाता हूँ, सिलेक्ट क्या करना है। तो आपको जो सबसे ऊपर वाला है पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट, उस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो आपकी स्लिप देते हैं अप्लाई करते समय, तो उसमें जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, और कैप्चा कोड डाल के इसे सबमिट कर देना है। इतना सा आपको यहाँ पर करना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आपका जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ गया, आपका पैन कार्ड नंबर आ गया, जो नेम जिस करवाया था करेक्शन या आपने अप्लाई किया था उसका नाम आ गया, और कैटेगरी इंडिविजुअल आ गया। तो यहाँ लिखा योर पैन कार्ड हैज़ बी डिस्पैच 20 अक्टूबर 2022, और यहाँ पर लिंक भी दे रखा है ट्रैक कोरियर का, वो भी बताऊँगा कैसे आपको उसको ट्रैक करना है। तो यहाँ पर दे रखा है कोरियर एनी वे बिल नंबर जो है ये दे रखा है आपका, और लिखा है एट द एड्रेस कम्युनिकेशन इंक्लूड योर एप्लीकेशन द पैन कार्ड विल बी डिलीवर इन ड्यू टाइम। तो यहाँ पर साफ साफ आपको लिख रखा है यहाँ पर, और ट्रैक कोरियर भी दे रखा है। अगर आपका अभी तक आया नहीं है, तो आप ट्रैक भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम ट्रैक करेंगे, तो उसके लिए करने के यहाँ पर जो उनकी वेबसाइट है, तो यहाँ पर जो है अलर्ट का आ गया, तो यहाँ पर देख सकते हो AWB नंबर। तो AWB नंबर कहाँ से मिलेगा हमको, यही है आपका दोस्तों, जो मैं आपको बोलता हूँ एनी वे बिल नंबर, जो ये लिखा हुआ है एनी वे बिल नंबर, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और वहाँ पर आपको उसे पेस्ट करके सर्च करना है। तो मैं यहाँ फटाफट से इसे कॉपी कर लेता हूँ, और देन इसे वहाँ पर मैं पेस्ट करके उसको यहाँ पर मैं ट्रैक करूँगा कि अब हमारा जो है पैन कार्ड आया है या कहाँ पर अभी फंसा हुआ है। तो जैसे ही मैं ट्रैक करूँगा, तो यहाँ पर आपके जो पैन कार्ड की जो है लिस्ट आ जाएगी, कहाँ पर कितने डेट में कहाँ पर पहुँचाइए। तो ये 21 अक्टूबर को 2022 में यहाँ पर देख सकते हो मुंबई से जो लोकेशन है, यहाँ से जो है दिल्ली एयरपोर्ट के हब के लिए निकल चुका था। उसके बाद 21 तारीख को ही जो है सेंड बुक हो गया यहाँ से। उसके बाद देख सकते हो 23 तारीख को यहाँ से अरेवन एट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया था, कहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट के उसमें जो हब है वहाँ पर हेड ऑफिस। और उसके बाद 23 तारीख को ही एयरपोर्ट से वहाँ से प्रोसेस निकला, और यहाँ पर 24 तारीख को यहाँ पर ये यमुना हब दिल्ली में पहुंच गया। तो अरेवन एट डेस्टिनेशन, अभी तक घर तक नहीं पहुँचा, मगर 24 तारीख वहाँ पर पहुँचा। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है अपना जो है देख सकते हो कि आपका पैन कार्ड जो आपने करेक्शन करवाया था या आपने नया बनवाया था, तो कहाँ पर वो पहुँचा है और आपका कहाँ पर दिक्कत आई है।
तो दोस्तों ये स्टेटस आप जो है इजीली आप चेक कर सकते हो। और दोस्तों ऐसी बहुत सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो सारी वीडियो। ये चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, रेड बटन दबा के साथ में बेल आइकन दबाना ना भूल। दोस्तों मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लेके आता रहता हूँ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।